भोर भइल में टल अंधियारा कोयल कुहू के पूर्व दिशा से निकलल लाली फैल गइल मुस्का एक जना बाड़ी जे अपना पति से बड़ा प्रेम करत अड़ी लेकिन वहां की बानी जे की नौकरी के खातिर है पापी पेट खातिर जाके दूसर देश पे दूसर गांव में रहत अनी वहां के ट्रांसफर हो गेल बा नौकरी घर छोड़ के चल गेल बानी देहरादून आने मेहरारू बेचारी वही प्रेम में पागल होके कहत दिया कि आजी कुछ हो जाए रौरे हमार सब कुछ मैं धन रौरे बानी आ मुकेश भैया कहतड़ी रौरे खातिर कुल हमार तन मन बा भले आप कही रही अगोरा रौरे करब हम आ कहतड़ी हो जब से सैया के नौकरिया त जब से सैया के नौकरिया देहरादून हो गई का भइल तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गइल तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गइल जब से सैया के नौकरिया जब से सैया के नौकरिया देहरा तू न हो गइल तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गइल तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गइल आखिर दुख दुख होला चाहे मर्द के हो के चाहे मेहरारू के बतार होई लेखा बाकी जाके वहां रहता लेकिन बेचारी कोनो गलती ना ने कहले बिया सजा त ये भोग दिया ना बताओ मुख कोना के समझे के चाहि ना ए बेचारी कह दिया सुना कहतड़ी चलत जवानी के देहिया के आग बुताई हम कैसे खाली फोटो देखी देखी के काम चलाई हम कैसे जरत जवानी के देहिया के आग बुताई हम कैसे बुझे राजा कब खाली फोटो देखी देखी के काम चलाई हम कैसे और जहिया आई बात तहिए रे बूझब जहिया आई बात तहिए बूझब हनीमून हो गई तब से सजल से जरिया हमर सुन हो गई तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गई अब हम अपन ये जगह ये बैठ के बता देता नहीं और क्या भइल बा का करे बेचारी कोनो गलती ना के ले भैया तब वो साझा भवति तो मत रो सब कुछ निकोई ये धनी सुना काशी पटना रहते तो दुई चार दिन में आ जाते कहतड़ी हम उनका के पा जातिया तू हमरा के पा जाते
काशी पटना रहते तो दुई चार दिना में आ जाते हो हम उनका के पा जातिया तू हमारा के पा जाते बेचारी कहतिया अरे पपियू कौन हमारा गलती के सजा देता है कौन गलती कैल बने हो हमारे मनवा के सपनवा हमारे मनवा के सपनवा के खून हो गई तब से सजले से जरिया हमरो सुन हो गई तब से सजले से जरिया हमरो सुन हो गई जब से सैया के नौकरिया जब से सैया के नौकरिया तेहरा दून हो गई तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गई तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गई तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गई तब से सजल से जरिया हमरो सुन हो गई आजा ना वाह 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 का बात बा इसे और कोनो गाना ना मिलल रहे तोरा के का करी बोला का करबा का दर्द हमरे ना देख गेले त हम गा देने ई गाना ये हम पूछत रहनी है कि एगो नारी के जन विराग के गीत रहे ओके तू कैसे इतना बड़े बखूबी से गा देला वरमु देखनी तमरे गाना याद आ गेल हम गा देले काहे हम तरह के दुखी लागत बानी भरुका काल भेई संग मु बना के बैठल बड़ त का गाई तू हमके देखले कहाँ रहला है आइए दादा हम तो पिछवा से लुका के खिड़कियों में से झाक झाक देखत रहने बस देखनी ना इनके हम इतना बढ़िया लागे कि झाक झाक के हमके देखे ले ना रोज ना झाक के नहीं बेटा कि आज इनका चाल देखनी ना आइली 7 बजे आइ दादा चाय सामने आ गई का करी तू अरमो ऐसा बाकी झाक के देखे पड़ता सामने से बिना हिम्मत करेला हमार क्या छोड़िए बात के आइए हम अपना कार्यक्रम की शुरुआत करता नहीं और एक गीत के साथ ये कहब की भैया केहू के मेहरारू होके कहीं भी नारी होके बिरह बिरह होला अगर ओ रोग में पड़ जाती है ओ पीड़ा में पड़ जाती है तो हम एक तने बात कहब कि भैया ए विरह के वजह जे बा ओके के दम ना करे के चाहि सब काहे कि कष्ट जब होला ना त बड़ी पाप लागेला बुझत अड़ो कि ना एकदम बुझत बानी तू तो बुझ मत के बुझी आ बाकी तू से बढ़िया त केहू ना बुझी हां काहे के असली मारू हमई बारे में एकदम बड़ा दर्शक आई अब सवेरे सवेरे के बेला पे कार्यक्रम के लेके हाजिर बानी जेकरा की हर रोज के बातें फिर से लेके आ गेल बा के महुआ प्लस और जेकर नाम बाटे बोला भईल बिहान और भैल बयान के आगाज के साथ हम बानी राव और दोस्त होस्ट जितेंद्र सिंह अंशु और हम बानी संजोली रउआ सबके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता नी स्वागत के साथ साथ ले प्रस्तुत बड़े आज के गो अद्भुत उत्तम विचार तब बोला तू का बोलू हम बोला था साथ दे अच्छा वो कोई पे बोल कुछ कोई ना पे वो भैया नहीं प्रस्तुत बा आज के उत्तम विचार और आज के उत्तम विचार ही बा कि जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और विद्वान होकर भी मूर्ख है बिल्कुल सही बात कहला कहे के मतलब ई बा कि आत्मविश्वास से बढ़ के कोनो भी चीज ना होला हर इंसान के अंदर आत्मविश्वास होके के चाहिए अगर आत्मविश्वास ना रही तो चाहे कितनो भी विद्वान होए वो अपना विद्वता के उपयोग ना कर पाई कहे के मतलब ये बा भैया कि अगर अपना ऊपर खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस बांटे तो इतना मान के चले कि पूरा कन्हो काम होके ओके आप पूरा हिम्मत से साहस से निपटा दे एकदम सही बात अगर आत्मविश्वास ना होए तो कुल विद्वता कुल क्षमता वही जे धरा के धरा रह जाए भैया हम कहा बताए रहुआ से अब देख ले हमारे ऊपर हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास है कहा बताइए कहा बताई का चला हम पूछे तानी बताओ मौसम के हाल कहा मौसम के हाल हाँ ले सुनी बारी के बारी कोई लसी बेटा लाम के भैया हम कहा बताए रहुआ से हम मौसम के बात करत रहनी अरे हम आत्मविश्वास की बात करत रहनी तू तो पूछला है कि हमके तक कुल आवेला हम कहा बताई तुहार गोली तुहार गोली बराबर है जान ला दोनों दे देलु तो जान ला आदमी वही जोर के हम जानत बानी तरह के कुछ ना आवेला आवेला हमारा कितना के तक तुरे तौल कोई में ध के एक और कह दी फिलहाल छिपा जा और दर्शक गण रहुआ लोग देखिए आज के प्रोग्राम की एगो खास झलक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य नमस्कार के बारे में किस तरीके से सूर्य नमस्कार को करके आप अपने हृदय को बलिष्ठ कर सकते हैं अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं बोन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे भाई बहनों के साथ हमारे कजन्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा हो बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने हाय नजर ना लग जाए ओए होए नजर ना लग जाए ओए होए हाँ
झलक तो हो गई, दर्शक लोग देख लेनी कि आज का काबा खास बात। बाकी तू तनी मौसम के हाल तना बतौला। बताई बताई कोई कुल बताई तन जन तन धीर धर तन घबरा मती। अब एगो ब्रेक ले लेता नी, ब्रेक के बाद मिलियो। ठीक बा मिल लिया भैया। एगो ब्रेक लेता नी अपना एक खास प्रोग्राम में जेकर नाम बाटे भैल बिहान। दर्शकगण ब्रेक के बाद एक बार पुनः और स्वागत बाटे महुआ प्लस के अद्भुत पेशकश और एक खास प्रोग्राम में कार्यक्रम में जेकर नाम बाटे भैल बिहान। वैसे तारा से हमारे को शिकायत बा। कहो ना ये है कि तरह से हम जो मौसम के हाल पूछनी है तो का कोनो गलती हो गई रहे हमरा से? ना 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 तू आज कोनो गलती को सके ना। ला ऐसा बात ना ना गलती तो हमसे भी हो सके ला। आके तारा साथ के असर जोन बा। ओहो काहे ना ये भैया कुल करम अपने करो। अच्छा जिम्मेवारी हमार लगा दे। अरे तू जिम्मेदार बड़ा ना तबे तो जिम्मेदारी दे। ना ना इतना मत, इतना हम जिम्मेदार ना बानी और हमके इतना जिम्मेदार बनने कोनो जरूरत भी नहीं बाटे ताकि तुहार इतना मजबूती हम बन के दिखाई तुहार बाती के बोझा उठा सके। ला तो मजबूत बन जा के रुक ले बता रखे। कौन ना काम जरूरत बा भैया, कौन काम करम मजबूत ताकि तुहार बाती के बोझा उठा सके। देखा तानी ना दर्शक लोग, अरे मजबूत बन जाई बात तो तोहरे ही स्वास्थ्य ठीक रही। अच्छा जब इतना हमें स्वास्थ्य के चिंता बा तो बताओ ना कैसे मजबूत भइल जाला। देखा हम तारा के एगो उपाय बताओ तानी। तू बताइबू? हां अच्छा देखा सूर्य नमस्कार करा उसे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाए। वाह ये कर लुका तू इतना स्वस्थ बाड़ू। और का तरह के एक और तरीका हम बढ़िया से विस्तार से दिखाई बताई किसे? कैसे हो अपना सेगमेंट के माध्यम से चलो चले के। तो चली जाए दर्शक लोग रोवा सब भी देखिए कि सूर्य नमस्कार से कैसे अपन स्वास्थ्य के बढ़िया बनावे के बाद हमने की अगला सेगमेंट में जेकर नाम है योग गंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूर्य नमस्कार के बारे में, किस तरीके से सूर्य नमस्कार को करके आप अपने हृदय को बलिष्ठ कर सकते हैं, अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, बोन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार को अगर देखा जाए, रिलेट किया जाए, तो ये हमारी पिंगला नाड़ी से इसका रिलेशन है। पिंगला नाड़ी जो है वो बहुत अहम नाड़ी मानी गई है हमारे शरीर के अंदर। जैसे कि हमारे शरीर में तीन नाड़ियाँ अहम मानी गई हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो किस तरीके से ये नाड़ी आपको हीट देती है, एनर्जी देती है, और सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल आप ज़रूर रखें, ध्यान ज़रूर रखें। जैसे कि अगर आपको कोई भी स्पाइन की प्रॉब्लम है तो अपने टीचर को ज़रूर बताएं, योगा टीचर को ज़रूर बताएं या डॉक्टर को ज़रूर बताएं करने से पहले। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले आप प्रेयर पोजिशन में आएँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से प्रेयर पोजीशन करते हैं। सबसे पहले आप मैट के बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएं, प्रेयर पोजीशन से शुरू करें। आप यहाँ पे इनहेल एक्सहेल करें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। अभी दूसरा जो हम आसन करने वाले हैं हथपड़ा आसन, हाथों को ऊपर उठाते हुए, और यहाँ पे आपको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है इस तरीके से। अगर आप देखें तो मैंने भी स्पाइन को बेंड नहीं करा। देखिए यहाँ पे स्पाइन को ऐसे नहीं करना, आप इस तरीके से कर्व ना करें, यहाँ पे ब्लॉकेज आपकी पैदा होगी। यहाँ पे आपको ब्लॉक नहीं करना, आपको क्या करना है कि आपको इसको पुश करना है। आप जब अपने पेल्विक को पुश करेंगे तो आपकी प्रॉपर बैकवर्ड बेंडिंग होगी। तो शुरुआत में जब भी आप शुरू करें तो दोनों हाथ नहीं भी पीछे आए तो आप हाथ कमर पे रखें और पीछे आए, ये बिल्कुल बेसिक है। फिर से एक बारी करें, लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाएं और पीछे। ये जो आसन है ये आपके अब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत अच्छा है और जो एक्सेस वेट है हमारे शरीर का उसको बर्न करता है, फैट को बर्न करने में बहुत मददगार ये आसन है। तो फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते ऊपर जाएं, पीछे, धीरे से वापिस आए ऊपर। दूसरा आसन जो है फॉरवर्ड बेंडिंग है, आपको बेंड करना है सामने की तरफ। अभी शुरुआत में आप कोशिश ना करें कि आप इस आसन को करते हुए हेड टच कर रहे हैं नीचे, जस्ट ड्रॉप योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने आप को छोड़ दीजिए आगे की तरफ और यहाँ पे रहें, कुछ देर रहें यहाँ पे इस आसन में। ये जो आसन है आपकी बैक की जितनी भी ब्लॉकेज है, टेंशन है, और जो स्टैटिक आपकी नर्व्स है, जो बहुत मेन नर्व्स होती है नर्वस सिस्टम की आपकी, उसको प्रॉपर करता है, उसको उसकी ब्लॉकेज खोलता है। फिर से धीरे से ऊपर आए,
तो ये दो आसन जैसे आपको बताया मैंने, फिर से इनका अभ्यास करेंगे। एक फ्लो आना चाहिए करते वक्त, ये जब आप करें तो उसका फ्लो लें। तो ये आसन जो है बहुत कमाल का आसन है, हर कोई इसको कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं और किसी भी एज वाले इसको कर सकते हैं आसन को। मजबूती के बनावे खातिर हम आज से सूर्य नमस्कार तब तो देरी हो गया, बिहान से शुरू करो। ठीक बा करिया, उससे पे निकला 9 बजे तब हाथ गोड़ जोड़ ले, वो तो पता बा 11 बजे सो के उठबा तू। चल इतना तो जनलो हमारा बारे में, ये कुल देखेल तू हमरे घरे हम कब सुतल बानी, तू हमके झाक सकेला तो हमी ना देख सकेली, हम तो झाक के मजबूरी में देखत आनी का कर, तू के सामने देखी मान ला हमारा की खराब हो जाता, तो ऐसे ही आंख तार खराब बा। चलो ठीक बाटे, फिलहाल अब छिपा जा, एगो ब्रेक लेता नहीं, ब्रेक के ऊपर फिर से हाजिर रखब लेके भैया अपन ही खास प्रोग्राम जी का नाम बाटे भैल बिहान। दर्शकगण ब्रेक के बाद एक बार राव सब लोग के पुनः उतने प्यार और सम्मान के साथ स्वागत करता नहीं एक खास पेशकश महुआ प्लस के एक खास प्रोग्राम में जेकर नाम बाटे भैल बिहान। इसे तू एगो बात बतावा। अब बतावे लायक हुई तो जरूरी बताई, मतलब अब इनसे पूछा हम कोनो बात तो पहले ई देखे पड़े कि उ पूछे लायक बा कि ना लायक बा। एगो बात तो हमके बतावो। हां तो कोनो बतिए कहे तना ऐठ के बोले लो तोड़ी मरोड़ के देखनी ना दर्शक लोग। अच्छा आपसे बताई कुल हमई हमेशा करेली ना हो, कुल तो हम करेली खुश। तुहार के उसे पटबो करेला, तू उसे छोड़ के बाकी हर के उसे हमार पटेला, अपना भाई बहन से, अपना चचेरा भाई बहन से हर के उसे पटेला। चाहे तो तुहार लाग नहीं बा, लेकिन चलो अगर भाई बहन से पटत आते बहुत बढ़िया बात बाटे, लेकिन अक्सर देखले बड़ू पार्टनर की अपन जो चचेरा ममेरा जो भी भाई बहन बने कजिन्स बने चाहे अपन भी भाई बहन सगा भी बाटे, अक्सर देखे के मिलेला की उ प्रेम ना होला जोन होखे के चाहे भाई बहन वाला। बिल्कुल सही बात, ई बहुत बड़ समस्या बा कि अक्सर देखल जाला कि भाई बहन के बीच में रिश्ता में मन मुटाव आ जाला या फिर कोनो भी बात के लेकर के बहस हो जाला। हो जाला भैया, तो चली ए प्रकार की जोन भी समस्या बा जेकर भी बा जे भी ए समस्या से जूझत बाटे ओके हम दिलाई बाज निजात अपना एक्सपर्ट के द्वारा और मिलवाए अपना आज के रिलेशनशिप एक्सपर्ट रीटा गंगवानी जी से बताइए कि ए समस्या से कैसे निकल जा, कैसे निजात पाल जा। तो चली मिल के देखे की अगला सेगमेंट जेकर नाम बाटे हमार विशेषज्ञ। नमस्कार, मेरा नाम रीटा गंगवानी है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे कजन्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा हो। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी और एक सूरज वाली घड़ी थी, जैसे पुराने ज़माने में शैडो से आप टाइम देख पाते थे, तो बादल आए हुए थे और सूरज वाली जो घड़ी थी वो वक्त दिखा नहीं पा रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी थी उसमें पूरे 10 बजे हुए थे। तो जैसे ही सूरज की घड़ी के ऊपर से बादल हटे तो वक्त आ गया 10:02, जबकि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी सिर्फ 10 बजे दिखा रही थी, लेकिन वो इतरा रही थी कि तुम हर टाइम वक्त नहीं दिखा सकते लेकिन मैं वक्त दिखा सकती हूँ। तो इस सूरज वाली घड़ी ने इससे क्या कहा, इसने ये कहा कि मैं चाहे हर वक्त अपना वक्त नहीं दिखाती लेकिन मेरे वक्त के साथ आप की घड़ी के जो आप जैसी घड़ियाँ होती हैं लोग उसको देखकर अपने वक्त को सेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस कहानी से मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई बहन एक से एक ही घर में जन्मे, एक से होते हैं, कई बार उनकी आपस में आते भी एक सी होती हैं, लेकिन कंपैरिजन जब हम करने लगते हैं, मैं तुझसे बेटर हूँ, तू मुझसे बेटर है, वो देख वो बेटर कर पा रहा है, वो अच्छा नहीं कर पा रहा, ये जो भावना मन में आती है कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार डालनी शुरू कर देती है। तो जब आप घर में भाई बहनों के साथ मिल के रहना चाहें तो पहली चीज़ कंपेयर मत करें, अपने को सुपीरियर या इन्फीरियर ना मानें, सब बराबर होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बचपन की लड़ाइयों को दूर छोड़ दीजिए, जो बचपन में हो गया वो गुजर गया, अब आप बड़े हो गए हैं, नए सिरे से रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए। वो छोटी छोटी बातें जो बचपन में आप गुड्डे गुड़िया के लिए लड़ते थे, वो बातें जब आप एक एडल्ट हो जाते हैं तो वो काम नहीं आती। बड़ों का फ़र्ज़ बनता है, बड़े भाई बहनों का फ़र्ज़ बनता है छोटे भाई बहनों को सही राह दिखाना, और छोटे भाई बहनों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि बड़ों की राय को रिस्पेक्ट करना, वो आपको जो सिखा रहे हैं रिस्पेक्ट करना, आर्ग्यूमेंट करना
बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लेके ही बड़े हुए हैं, तो उनसे सीखिए, समझिए और बड़े उनको सही रास्ता दिखाएं। कोशिश ये करें कि अपने भाई बहनों की छोटी छोटी बातों की शिकायतें माँ बाप तक ना पहुँचाएँ, क्योंकि उससे रिलेशनशिप जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे कहीं गलती हो गई है तो सॉरी बोलना सीखिए। रिश्तों में एक छोटा सा शब्द सॉरी अगर आप बोल देंगे तो आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। वैसे एक बात तबाह, ये देखला के बाद जितना भी भाई बहन हुई है उनके बीच प्यार जरूर बढ़ जाएगी। प्यार हो के बीच, चाहे भाई बहन को के, चाहे अपना चचेरा ममेरा जे भी भाई बहन बा ओकरे बीच में होके, वैसे हमनी के कहिया प्यार वाली बात हो तो ही कोनो बढ़िया से जिससे हमके रोज मारे तो हमके ना लागेला ए जन्म में कबो हमसे प्यार व्यार की बात हुई ना भाई एकदम ना हमरो तो ये लग रहा तो मुंह जब देख रहे तो हमार प्यार मर जाला। अरे थार मुंह देखे कि पहले में हमार प्यार मर जाला। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बात बोले। जिया 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 पार्टनर आप सब छुपा जा और आगे चले के और अपना दर्शक लोग की अब वहां लेके चले के जहाँ खातिर हमेशा लोग परेशान रहे। हाँ, अगला सेगमेंट की तरफ। हाँ तो चलो भैया बिना देर के ले, बिना हम कौनो प्रक्रिया के आगे बढ़ता नहीं, वो सेगमेंट के नाम लेता नहीं जेकर हर कोई दीवाना बा जेकर नाम बाटे सुर गंगा। और ए भैया आज हमने के सेगमेंट के जे अपना आवाज में लहराई जे सबके झुमाई और अपना गायकी से हर कोई की रिझाई आपन बनाई वहाँ के बानी क्या बात बटे बाबा भोलेनाथ की नगरी यानी काशी बनारस से जय पांडे कोकिल जी। वृंदावन सोवन नहीं हरे नंद गाँव सो हरे वंशी वट सो वट नहीं प्रभु कृष्ण नाम सोना श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं तो श्री राधे जू को दा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वा बोलो राधा रानी की अपनी धुन में हो अपनी धुन में रहता हूँ अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे 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 श्री राधे हो राधे 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 श्री राधे बोले विस्मान दुलारी के जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया ओ जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया मारा मारा फिरता था मैं कोई ठिकाना मिल गया क्योंकि संत शरण में हो संत शरण में रहता हो राधे राधे कहता हो राधे 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 श्री राधे हो राधे 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 श्री राधे बोले राधा रानी की
ना जाने इस दुनिया भर के कार्य कैसे होते हैं। कारज कैसे होते हैं, जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे रहते हैं। क्योंकि रिया शरण में हो, रिया शरण में रहता हो, राधे राधे कहता हो, राधे 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 श्री राधे, ओ राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे 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 राधे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत गजब, बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, हर बार आपकी बुलाई हमने के ललायत रहनी, और आज फिर से एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चौबार बुलौले बानी आपके अपना अंगना में, और आप आयल बानी आपके परिवार बाटे, आप अपना आंगन में आयल बानी, एह नाते आपके स्वागत बाटे, अभिनंदन बाटे। नमस्कार अंशु जी, संजोली जी, देख रहे महुआ प्लस के सभी दर्शकों को भाईल बिहान की तरफ से सादर प्रणाम, सबको राधे राधे। राधे राधे, सबसे पहले ये बताएं आज यज्ञ में एक बार फिर से आयल बानी तो कैसा लगा था? जब भी मैं महुआ चैनल महुआ प्लस में आता हूँ गाने के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी पार्टिकुलर कमर्शियल चैनल में गाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे को लगता है आप लोगों का इतना प्यार, और ये प्यार तो आप लोगों को देखने को मिलता है, इतने ईमेल्स आते हैं, इतने मेल्स आते हैं, इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो ये साक्षात दिखता है, तो ये प्यार है जो हमको बार बार आपके पास खींच के लाता है। लागे ला कि जैसे अपने ही घर में बैठ के दो चार जने बतिया सब मिलके गा रहे हैं, सब मिलके गा रहे हैं। सबसे पहले रउआ से जाने की चाह कि रउआ आज एगो मुकाम पे बानी, इतना बढ़िया गावत बानी, देश विदेश हर जगह गावत बानी, तो गायकी की शुरुआत कैसे भइल है राहुल? मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार हैं, उस समय उनकी पिक्चर चिच्चोर रिलीज हुई। अच्छा, और पहले के टाइम में क्या था कि अभी सब कुछ अवेलेबल है, अभी सब इंडिया डिजिटल हो गया है, तो पहले हम लोग रेडियो पे और वॉकमैन में गाने सुना करते थे, तो वो दौर था कि मेरे को लगता था कि मेरे को गाना है गाना है गाना, लेकिन डैडी जी बोलते थे नहीं क्लासिकल म्यूज़िक गाना है क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन जब देखते थे लोग गाते हैं ताली बजती है, तो वो अंदर एक पैशन था कि वो पूरा करना है, बस वो सिलसिला शुरू हुआ। गाली भी सुनते थे, डांट भी पड़ती थी, लेकिन लगे रहे, आज आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से चल रहा है बस। राधे 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 राधे। ये बताएं कि बाबूजी भी गावताने की कुछ अलग विधा की कलाकारी हैं? नहीं, मेरे पिताजी तबला वादक हैं। अच्छा। जिन्होंने रामायण सीरियल, कृष्णा सीरियल, राम तेरी गंगा मैली, हीना, काफी फिल्मों में उन्होंने रविंद्र जैन जी के साथ काम किया। रामायण रिलीज के बाद वो पूर्ण रूप से डिवोशनल म्यूजिक में काम करने लगे। अभी जितने आप डिवोशनल म्यूजिक के सीडीज और कैसेट सुनते हैं उसमें उनका रिदम अरेंजमेंट होता है। वाह। अच्छा, भाई वाह। अच्छा। मतलब गायकी के जो कलर और अंदर आए वो बाबूजी से आए, पिताजी से आए। तक हल भी जला कि अगर पुत्र इतना बढ़िया बाने लायक बानी तो कुछ न कुछ अंश परिवार के लही हुई, उनके आशीर्वाद है, आशीर्वाद बाटे, माइक आशीर्वाद बा, प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद बाटे, राधा रानी के आप भक्त बाएं, तो फिर पूछे के का बाटे। दर्शकगण, हमने के बात कर रहे जय कोकिल जी से, यहाँ से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रही, लेकिन लाल वक्त बाएगो अल्प विराम के गो ब्रेक के, चला जा पार्टनर को ब्रेक लिया जा, फिर हाजिर होकर जाए अपन वही खास प्रोग्राम के लेके जेकर नाम बाटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता नहीं अपना दर्शक गण के यही खास प्रोग्राम में, जेके प्रेजेंट करता महुआ प्लस यानी कि जेकर नाम है और हमने के साथ हमने की भल बिहान के आंगन स्टूडियो में मौजूद बनी जय पांडे कोकिल जी, और वहाँ के पास सीधे चला। और जय भैया। हाँ भैया। हर कलाकार के सपना होला कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर होखी,
ऐसा केहू ना बा कि जेके स्टारडम पसंद ना बाटे, कहे खातिर भले ना कुछ कहे सब कुछ कहे, लेकिन हर केहू चाहला कि हम पॉपुलर हो जाए। और ये पॉपुलरिटी के पावे खातिर लोग तमाम हथकंडा अपनावेला, कोई एल्बम करेला, कोई मूवी के चक्कर में पड़ेला, कोई कुछ भी करे चाहेला, चाहे जौन भी रास्ता होला ओके अपनावेला। तो अक्सर देखे के मिलना सिंगर खातिर सबसे मतलब जो सुलभ रास्ता लौकेला वो एल्बम के होला। राउर ऐसा मन में कबो ख्याल आयल एल्बम करे के चाहिए कि ना? मैंने बहुत सी एल्बम अंशु भैया गाई। अच्छा, आपके एल्बम लगातार मार्केट में है भी? बहुत सी, कम से कम अब तक 55 एल्बम मार्केट में है। क्या बात है। और ये संगीत जो होता है ना लाइक अ रिवर, वो चलते जाता चलते जाता चलते जाता, जब एक जगह ठहराव हो जाता है ना तो उसका नाम अपने आप हो जाता है। वो उस कनेक्शन है भगवान के साथ, वो जब जुड़ेगा ना तो अपने आप नाम होगा। उसके लिए कोई पॉलिटिक्स, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ कर सकता। नाम के लिए बंदगी जरूरी है, जब तक आप बंदगी नहीं करेंगे तब तक नाम नहीं मिलेगा। एक बात हमारे उलझ पूछा, अब तक की आपकी जो करियर बा सफर बटे का, उसे आप संतुष्ट बनी? भैया संतुष्ट की बात कहें तो देखिए, हर इंसान सोचता है कि मेरे पास ऐसा हो वैसा हो ये हो, बिल्कुल कितनों मिल जाए, कमी कमी है। लेकिन क्या है कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस कबीरदास की ये पंक्ति को मैं बहुत फॉलो करता हूं और इस चीज़ को मानता हूं कि जितना है उतने में हम बहुत खुश हैं और ज़्यादा की इच्छा भी नहीं रखते हैं। जो मालिक दे रहा है ना वो उसकी इच्छा है, हमारे बस में नहीं है। अगर आज मेरे को बॉलीवुड का अवार्ड मिलना है तो वो मिलेगा, चाहे वो एक जिंगल गा के मिलेगा, चाहे एक बॉलीवुड का कोई गाना गा के मिलेगा, लेकिन जब वो मालिक चाहेगा ना तभी मिलेगा। अंशु जी हमारे बस में क्या नहीं बात है। बिल्कुल सही बात करनी। लेकिन रउआ से हम एक बात ये जाने के चाहब कि रउआ भोजपुरी के बढ़ावे खातिर का कर रहल बानी? काफी फिल्मों में लोगों के साथ मैं काम करता रहता हूँ, रूस भी करता रहता हूँ, बहुत अच्छी भोजपुरी नहीं बोल पाता, बनारस का रहने वाला हूँ। लेकिन क्या है कि बहुत प्यार है उस लैंग्वेज में, बहुत प्यार है। इंडिया से बाहर जब जाता हूँ तो पूछते हैं भैया तू कहाँ से आयल हुआ, तो दो दो भाषा बोलते हैं, या तो डच बोलते हैं या तो वो भोजपुरी बोलते हैं। तो ये जो अपनापन है ना ये हमारे भोजपुरी भाषा में ही है, दूसरे लैंग्वेज में नहीं है। भैया तो मतलब आप भोजपुरी गावे नहीं ना, लेकिन भोजपुरी के बढ़ावे खातिर मूवी में प्रोड्यूस करेंगे? हाँ जरूर जरूर, जो भी जहाँ भी हेल्प होता है, जहाँ भी काम होता है मैं करता हूँ, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल, हम बनारस के रहने वाले हैं, बिहार के पास हमारा घर पड़ता है, तो ये हमारी मातृभाषा है ना। और वो कोई लैंग्वेज बनाया नहीं गया है, ना ना आदिकाल से चला रहा है, और ये लैंग्वेज को बढ़ाना चाहिए, खूब बढ़ाना चाहिए। हाय 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 रे भोजपुरी, एक बस बोली भोजपुरी जोन बोली होला ने, मैं जितना यही कहना चाहूंगा कि जो लोग गाते हैं या जो लोग भी भोजपुरी बनाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा समाज को देख के हम क्या दे रहे हैं समाज को, ये सोच के बनाना चाहिए। एकदम चले तब यही बात ही पेठो, बढ़िया भोजन हो जाए। का सुनाएं बुआ? मैं काशी का हूं और कबीरदास जी बनारस के थे। ये कबीरदास जी की बड़ी प्रिय रचना है जी जी, महुआ प्लस के सभी दर्शकों को समर्पित, कबीर पंथी को समर्पित और आप सबको समर्पित। गाएं। दुनिया कितनी बावरी है जी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कौन पूजे जिसका पीसा खा। जी मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, लागो 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 मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो।
मगरूरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, है जी मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। वाह वाह, क्या बात, मन लागो मेरा फकीरी में। और सच्चाई है पार्टनर, अगर इंसान हमेशा से जोन भाव एगो निर्गुण के होला, वो भाव में हमेशा से ढल जाना, तो ओकरे अपने आपे ऐसा अंदर एगो शक्ति आ जाए, ईश्वर से ऐसा कनेक्शन हो जाए कि खुद ब खुद ओके दुनियादारी से आदमी निकल जाए, निकल जाएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा में ना फंसियो और उहे सफल हो जाए। भाई जब ये करे खातिर के जीवे ना करे तो के कौन टेंशन रहे। बिल्कुल सही बात, अस्तमोला प्रभु के नाम लेके एकदम घुमल करी बमबम शंकर। बहुत बढ़िया गीत लागल भैया, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुकल बा एगो अल्प विराम के, रहुआ भैया कहीं मत जाए, बनल रह ये प्रोग्राम असही यही रफ्तार से चली जय कोकिल जी के साथ, लेकिन अल्प विराम के बाद तो देखत रही हमारी खास प्रोग्राम जेकर नाम बाटे भैल बिहान। तो दर्शक गण स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, एक बार फिर से वंदन करतानी वही खास प्रोग्राम में जेके रउआ सब भी कहेनी और हमनी की अंगना की आज अतिथि वानी जय कोकिल पांडे जी। जय भैया। हाँ भैया, ये बताओ जा जैसन की आप बतौनी आप विदेशों में भी जाके कार्यक्रम करें, ये बात की चर्चा आप पिछले भी बार भी कर चुकल बानी, लेकिन ये बार हम फिर से ये बात पे एक बार पर्दा उठाई और एक बात और जानना चाहिए आपकी, जौन दर्शक होने जौन श्रोता होने सुने वाला भोजपुरी के या फिर अपने जौन भी भाषा के आप जाके वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे बानी, ओके इंडिया में जब गावे नहीं और विदेश में जाके जब परफॉर्म करे नहीं, तो दोनों जगह के जो श्रोता होने का आपके फर्क महसूस होगा? देखिए क्या होता है कि जब हम भारत से बाहर जाके गाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ जो हमारे अपने भारतीय भाई बहन और लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, तो वो हमको बहुत ऊपर देखती है। उसमें जरूरी नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा पब्लिसिटी हो या कुछ ऐसा हो, अगर उनको पता चलता है कोई इंडियन कलाकार आया है गाने के लिए तो वो सब टिकट खरीद के जाते हैं, सब सुनते हैं, और वहाँ की एक बहुत बड़ी अच्छाई है तो यहाँ तो गाने सुन के जाते हैं तो कभी कभी तो लोग ताली भी नहीं बजाते हैं, लेकिन वहाँ का ये नियम है पहले आपको तिलक करेंगे, फिर आपको दुपट्टा उड़ाएंगे, और फिर उसके बाद वो सम्मान के बाद भैया जब खड़े होकर ताली बजाते हैं लास्ट में, तो फिर वो लगता है कि हमारा गाना सार्थक है, क्योंकि हम इसीलिए गाते हैं, हम पैसे के लिए तो नहीं गाते ना, पैसा तो अब भगवान है वो जितना चाहेगा उतना देगा, लेकिन जो ये प्यार है अंशु भाई, वो प्यार पब्लिक ही दे सकती है, वही हमको अमिताभ बच्चन बनाती है, वही हमको फकीर भी बनाती है। बिल्कुल, तो पब्लिक है सब जानती है। बिल्कुल सही बात कहनी। रउआ से एगो और बात जाने के चाहब कि रउआ कहनी कि देश विदेश हर जगह गा चुके ले, तो ई जाने के चाहब कि राउर मंजिल अभी रउआ के भेटा गेल कि अभी कुछ और राउर मुकाम हासिल करेगी? नहीं देखिये, मेरी ये सोच है कि ये जो अभी का जो संगीत चल रहा है अंशु भाई, और आप लोग ये महुआ चैनल महुआ प्लस को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि ये अपने मातृभाषा को आगे बढ़ा रहा है, तो जो भी अपने मातृभाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, इंटरटेनमेंट के तो 2000 चैनल आ रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम ये महुआ कर रहा है, तो इसके लिए मैं जो भी महुआ के जो लोग हैं उनको मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दायित्व है, ये बहुत बड़ा दायित्व है, उसको निभा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद और कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। ये होला बात भैया, और कहे की मतलब भैया की बाकी यहाँ की यही कोशिश बाटे आगे अपन जो हमने की बोली बाटे वो पे बढ़िया से बढ़िया काम होके ओकर बढ़िया से बढ़िया विस्तार होके, ये सपना बुझ गई नी कि रउआ अपन मंजिल के वही देखे ली, जब भोजपुरी अपना ऊंचाई पे पहुंची तब राउर सपना पूरा हुई। जरूर जरूर, चले यही बात पे हमारे को सपना के साकार करे को ईमेल पढ़ के सुनाओ, तो चला पढ़ के सुना देता नी ने की करत हमारा ऊपर को मुंह तो भैया इनकर देख ली सही बनले रहला, देखा आज माहौल इतना अच्छा बा, राधा रानी के एकदम प्यार में हर केहू डूबल बा, तम तारा के कुछ बोलब ना सीधा ईमेल पढ़ो, मत करियो पढ़ो।
हमारा नाम नवीन बा और हम भैल बिहान के रोज देखेनी और ई कहे के चाहतानी कि सबसे बढ़िया प्रोग्राम अगर कोनो बा महुआ प्लस के तो ऊ बा भैल बिहान। क्या बात है। सुबह सुबह एक देख के पूरा दिन बन जाला। इतना बढ़िया प्रोग्राम बनावे खातिर हम हर केहू के धन्यवाद देवे के चाहब। क्या बात है नवीन जी। सबसे पहले रउआ की बहुत बहुत धन्यवाद बर्थडे राउरे बात खातिर राउरे ईमेल खातिर और आप लोग से हम ऐसा अपेक्षा हमेशा करेली कि आप लोग कुछ न कुछ अच्छा बुरा जवन भी बाटे ओके बेझिझक एकदम हिचकिचैला के काम ना बा एकदम दिल खोल के करेजा खोल के चाप के लिखिया भेजी ईमेल करी ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए बाटे bhayilbihan@gmail.com। बिल्कुल ए पे मेल करे। और दर्शक लोग आज हमने के अंगना के मेहमान बानी जय पांडे कोकिल जी। तो इतना बढ़िया लगा था रउआ से मिल के आज का बताई जिसे लगा था कि हम एकदम वृंदावन मथुरा में पहुंच गए। जय हो जय हो। तो जय हो राधा रानी की जय हो सांवरे सरकार की। वक्त हो गए बा घरे जाए के तो रउआ सबसे तनी अभी हम विदाई लेवे के चाहब लेकिन जाते जाते रउआ के एगो बढ़िया गीत सुनवाई एक साथ हम संजोली रउआ के प्रणाम करता नी। आई भैया तब चले के जय भैया लगे आएगो निहोरा बा भैया कुछ और एकदम मन मन साइन कर तनी फिर से ले चले राधा रानी के दरबार में। देखिए ये बड़ा प्रिय भजन है हमारा और जहाँ भी जाता इसमें ठाकुर जी की आंखों का वर्णन है। क्या होता है जब हम वृंदावन दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो पर्दा ऐसे खुलता है फिर बंद हो जाता है फिर ऐसे खुलता है फिर बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठाकुर जी की निगाह से निगाह अगर मिलती है किसी के साथ वो चले जाते हैं। और एक बार नहीं हजार बार ऐसा हुआ कई बार। तो कोई जैसे कोई माँ अपने बेटे अपनी बेटी को बहुत सुंदर श्रृंगार करती है तैयार करती है उसे काला टीका लगाती है। तो ऐसे हमारे बाकी बिहारी लाल जी जिनको किसी की नजर ना लग जाए ऐसे ये नजर का प्यारा प्यारा भजन इतना सुंदर भाव बाटे महुआ प्लस के दर्शकों को समर्पित और हमारे भारत में देख रहे सभी लोगों को समर्पित। एक बार जोर दाजा बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। अरे मोटे मोटे नैनन के तीखे तीखे बैरन के मोटे मोटे ननन के और तीखे तीखे बैरन के सांवली सूरत के तू मीठे मीठे बैरन के बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन हाय नजर ना लग जाए ओए होए हो नजर ना लग जाए ओए होए हो नजर ना लग जाए हो बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने हाय नजर ना लग जाए ओए होए हो नजर ना लग जाए ओए होए हो नजर ना लग जाए ओए होए हो नजर ना लग जाए लटकन ओए होए होए अधरों पे मुस्कन हाय 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 तेरी मुकुट की लटकन ओए होए अधरों पे मुस्कन हो मैं तुम्हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने हाय नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए से घायल आए है आंखों का काजल तेरी नजर से घायल हूँ कि मेरे
कजरार कजरार तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए। होए होए